बड़ा सुनने वाला भजन है। कई साल चारे भजन संभाले। एक दिन गुरु अंगद देव जी नूं कहिंदा है, महाराज आवा गाउण दे चक्कर तों बचा, ऐस भोजल तों पार कर दे। सुनने वाला भजन जी, मैं हैरान रह गया। वो चारे भजन संभाले। एक दिन कहिंदा जी, आवा गाउण तों बचा लो, भोजल तों कढ लो। संगत जी सुनियो हिल जाओगे, गुरु अंगद देव दे बचन सुनियो। पता की कहिंदे, कहिंदे तू सेवा करदा प्यारा सिख है। गल सुनियो, तू जिस ढंग नाल सेवा करदा मेरा प्यारा सिख है, पर भाई तिंग सेवा करदियां तेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए। गुरु अग्गे देव जी दा बचन जे भाई वीर जी ने लिखे, सेवा करदा मेरा प्यारा सिख है, सेवा करदियां तू जदों आया से वाल काले सी, हुण चिट्टे हो गए। गुरु अंगद साहब कहंदे, सेवा करदियां तेरे वाल सिर दे चिट्टे हो गए ने, पर तेरे अंदरों होमे दी जेड़ी काई ओ नहीं गई। देखो कितनी बारीक सिखी है। हुण आ इक होर रहेगी प्रॉब्लम, वाल चिट्टे हो गए पर मैं होमे वाली कालक नहीं गई। आखो सचना, वो काई जमी। बड़ी बारीक सिखी। मैं हूं दिल करता अद्धा घंटा लगावे गुरु, पर एक मिनट लावा। जेडे कोई इशारे दिते भाई वीर सिंह, भाई वीर सिंह लिखते कहते, गुरु अंगद देव जी कहते, हूं बस आ वेथ है तेरी, तेरी मेरी हूं आ वेथ ही रह गई है, बाकी सब ठीक है। बस होमे ने इन्नी क वेथ रखी है। किवें दूर होवे? सुनियो जी बचन फिर समाप्ति। गुरु अंगद साहब कहते, मुरीद मुड़दा बणदा। हाय हाय, मुरीद मुड़दा बण गए। गल सुनने वाली जी, बड़े ध्यान नाल। कहते कबर जड़ी है ना, कबर जदों मुड़दा हो जाए तो कबर उदों संभालदी। आपो सतनाम जींदे नूं। गुरु अंगद साहब कहते, मुरीद मुड़दा हो जाए, होमे वालों मुड़दा हो जाए, कबर मुड़दे नूं संभालदी है, जींदे नूं नहीं संभालदी। मुरीद मुड़दा हो जाए तो जिवें कबर मुड़दे नूं संभालदी है, मुरीद मुड़दा हो जाए गुरु दे ज्ञान विच समा जांदा है। गज के आखो सतना, गुरु फिर उन्हों संभाल। मुरीद मुड़दा, गल नूं समझ आ मर गए। देखो आनंद कहना, देखो बाबा जी कहते, इन्हें वित्त पाई हूं देरी मेरी पाई। किस जगह से मर्यादा वाले पाठ चल रहे, मैं ना नहीं लैना, स्टेज से नहीं बैठा, मुंडे दो है वड्डी ड्यूटी उन्हां दी, वो मेरे नाल था। वो कमरे के अंदर एंट्री नहीं सी, मर्यादा इन्नी सी सख्त, अंदर सिर्फ जेडे पाठी सिंह रोल देंदे के सी शनान, पूरी मर्यादा उही। दास बाहर बह गया, यह परिवार के घर हो रहे। दास बाहर बह गया, पांच मिनट सिवरन किया, अंदर पूरा सचखंड बनया पिया। थोड़ा जा जाप करके परिवार नूं सत्कार दिता, नाल दास ने मान दिता। मैं कहा, गृहस्थी होके एडी मर्यादा वाला तुसीं समागम जिहड़ा दस दिन का चला रहे हो, बहुत वधाइयां मुबारक। मेरे नाल जिहड़े गए ना दो, वो अलग गड्डी सी, मैं अलग गड्डी, उन्हां घरों निकले मैं अलग गड्डी च बह गया, वो अपनी गड्डी च बह गया। उन्हां दी अपनी गड्डी च तुरदे ही निंदिया शुरू हो गई, लो जी
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੀ ਆ ਹੋਮੇ ਦੀ ਕਾਈ, ਆ ਮੈਂ ਦੀ ਕਾਈ। ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਡੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਧੂੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਕ ਬਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਥ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਥਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਈ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਆਵਾਂ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ, ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹੋਮੇ ਦੀ ਕਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਪਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਰੀਦ ਮੁੜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਬਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ, ਮੁਰੀਦ ਮੁੜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਕਬਰ ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਕਦੀ ਕੰਡੇ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਣ ਵੇਖੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹੋਮ ਹੂਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੂਆ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਲਾਸਟ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਾਣੀ ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ ਚ, ਨਾਈ ਧਿੰਗ ਵਖਾਣੀ ਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਾਂ, ਨਾਈ ਧਿੰਗ ਵਖਾਣੀ ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਕੁਟੰਬ ਤਰਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ ਭੋਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੁਟੰਬ ਸਮੇਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਆਓ ਇਹ ਭਾਈ ਧਿੰਗ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ।